विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जिसको हम साक्षी बनाते हैं उसका पावर काम करता है। जिसको हम साक्षी बनाते हैं, जितना जिम्मेदार प्रसन्न होगा साक्षी, उतना ही हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें।
तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्रकृति कैसे अपना कार्य करते जा रही है और आप दोष से मुक्त हो गए तो आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, फिर आप प्रकृति के साथ, फिर आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, प्रकृति के साथ देख रहे, प्रकृति की आंख से देख रहे, तो कैसे आनंद होगा। राही नए नए, रास्ता नया नया। तो ऐसा आनंद आ सकता है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा है तुम लोगों का अत्याचार सहो, तुम दुख सहो, कुछ बोलो मत, ऐसा कोई कह नहीं रहा है। कहा जा रहा है जो अज्ञान की वजह से दोष लगा रहे थे तो वाकई वैसा है क्या, जरा देख लो, और फुल स्टॉप देने में क्या हर्ज है, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं रहेगा, तुम कहाँ उनके साथ हो हमेशा, तो आगे बढ़ो, अटको मत कहीं पर भी। तो फिर आप दिल से बांटोगे, जो दिल से बांटना चाहते हैं, जो चाहते हैं पीछे कोई नहीं आए, मेरे पीछे कोई परछाई न रहे, कोई पुकार न रहे, तो वो दिल से दिल बुनकर बांटते रहते, दिल बुनकर वो बांटते रहते, क्योंकि वो जानते हैं कि पीछे कोई परछाई न पड़े वरना जिंदगी भर का ये हो जाएगा। तो एक दिन फिर आपने भी कार रोकी, ब्रेक लगाई, पीछे वाली कार भी रुकी, आप उसके पास गए, आखिर भाई साहब आपको चाहिए क्या, जो भी निकला होगा उस कार से, क्या आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आपको क्या चाहिए मुझसे, तो वो कहेगा सिर्फ आपकी क्षमा चाहिए। आप सिर्फ मुझसे क्षमा मांगो, इसके लिए मैं पीछे घूम रहा हूं, मैं भी फंसा हुआ हूं, तुम भी फंसे हुए हो, तो आप उसे क्षमा मांगते हो, टॉपिक खत्म हो गई, वापस फिर वो कार दिखी नहीं। तब रहस्य खुला, हम क्या सो कथाएं क्या क्या बना रहे थे, जो पीछे होगा उसको क्या चाहिए रहेगा, क्या मांगता है, वो खजाने पर नजर है, तो चाहता था कि आप क्षमा मांग लो, कि वो भी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। तो इतनी छोटी बात के लिए आप कहते हैं अरे पहले ही पता होता तो इतना क्यों तकलीफ सहते परदेश में। परदेश में परनिंदा करोगे तो परछाई पीछे पड़ जाएगी। ये संदेश सुना आपने, अभी टॉपिक क्लियर भी हुई। परनिंदा करते यानी पर्सन के जाने के बाद जो बड़बड़ जल बुनकर, यही तो परनिंदा हो गई ना, अपने अंदर जो कर रहे, तो निंदा की आवश्यकता नहीं, दोष की आवश्यकता नहीं, प्रदोष, प्रदोष दर्शन करते रहते लोग दिन भर, प्रदोष दर्शन, स्वदोष दर्शन हो, स्वदोष दर्शन, कि ये पर्सन के लिए मैंने ये सोचा, तो क्या मानकर सोचा, उसको शरीर मानकर सोचा, उसको डोर मानकर सोचा, ये किसका दोष है, किसका दोष है, क्या जवाब आएगा। यस, तो ये स्वदोष दर्शन दिख रहा है यहां, क्या मैं बोल रहा हूं, मैं प्रेमोद के पक्ष में हूं और क्रोध की सेवा कर रहा हूं, तो बेहोशी मुझे आई इसलिए ये मैं करने लग गया, तो ठीक है, याद आ गया, सॉरी कह दिया, क्लियर हो गए, सामने वाले से क्षमा मांग ली, ठीक से, दिल से माफी मांगता हूं, मैं आगे से ख्याल रखूंगा, आगे से मैं पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा, और गुरु को साक्षी बनाकर कि देखो जिसको हम साक्षी बनाते हैं उसका पावर काम करता है, जिसको हम साक्षी बनाते हैं, जितना जिम्मेदार प्रसन्न होगा साक्षी उतना ही हम जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो फिर इस तरीके से हम उससे मुक्त होने लगते हैं। तो ये स्वदोष दर्शन से धीरे धीरे देखोगे ये सारे जो कितने सूक्ष्म दोष है, जिसको कोई दोष कहेगा नहीं, दुनिया की कोई अदालत में आपको कोई सजा देगा नहीं।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ, मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या, कैसे प्राप्त करें मोक्ष, यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें www.tejgyan.org।